कोई बंदा भी अल्लाह का इतना ज़्यादा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता उस चीज़ से कुरान के अलावा, यानी कुरान एक ऐसी चीज़ है उससे कुर्ब हासिल अल्लाह पाक से किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सबब है अल्लाह जल्ला जलालहू से कुर्बत का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़्यारत हुई, फरमाया कि या अल्लाह आपके कुर्ब के लिए कौन सा अमल, फरमाया कि कुरान अज़ीज़ की तिलावत कलामुल्लाह। फिर फरमाया कि या अल्लाह आप बताएं कि उसको समझ के पढ़ा जाए या बग़ैर समझ के पढ़ा जाए, तो फरमाया समझे या बग़ैर समझे जो भी पढ़ेगा अल्लाह की कुर्बत उसको मिलेगी। तो यकीन यही है कि एक और हदीस में आता है कि इन्ना अहलीना मिनन्नास, लोगों में से अल्लाह वाले बहुत हैं, अहलुल्लाह मिनन्नास या अहलीना मिनन्नास। तो पूछा कि या रसूलल्लाह मन हुम, कालू या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा कि वो कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वाले और अल्लाह के खास वो हैं जो अहलुल कुरान है, कुरान पढ़ने वाले हैं, वो खासतुहु बिल्कुल अल्लाह के क्लोज रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं, इनको यहाँ भी एजाज़ है और इनको आखरत में भी एजाज़ है। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालहू हमें कुरान अज़ीज़ से हकीकी महब्बत, उस पे अमल और उसकी गहराई के साथ पढ़ने और सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात पर वक्त कहता हूँ, वो ये है कि अगर हम में से या मुझ में से किसी को पूछे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कोई गैर मुस्लिम कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, अच्छा ये है कि मैंने सुना है आपके यहाँ जंजाल भी बढ़ा है, आपके यहाँ जंजाल भी बढ़ा है, वो क्या है जंजाल, आपके यहाँ मसलक वसलक भी बहुत होते हैं, मुझे बताएं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिस पे सारे मुत्तफिक हों, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी किताब बताएं जिस पे सारे मुत्तफिक हों, तो आप में से उनको कौन सी किताब बताएंगे आप, वो अगर सवाल कर ले भाई जन आपने पढ़ी, वो ये सवाल कर ले, आप जो मुझे मेरी हिदायत के लिए बतला रहे हैं और यकीन से कह रहे हैं आया कि ये किताब आपने खुद पढ़ी है, आपने खुद पढ़ी है, तो मेरे भाइयों यकीनन ऐसे ही है कुरान को, जहाँ हमने ये छोटे बच्चों का ये करे सब आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, दिन रात की मेहनत करते हैं, अल्लाह जानते हैं हम जो है ये अपना ही इदारा है, हम खुद ही यहाँ पे होते हैं, किसी को सारी मुशावरत से जो चीज़ें जो चल रही होती हैं ये हज़रात तो बच्चों पर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि किसने पूछा कि भाई आपको सवाल करना चाहते हैं कि आपको बच्चे को नेक में बनाना चाहता हूँ, बच्चे को नेक बनाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है अमल, तो उनको कहा कि खुद नेक बन जाओ, खुद नेक बन जाओ, तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है कि कुरान वाला बच्चों को हम बनाना चाहते हैं, मैं खुद देख लूँ अपने आप को खुद ही जांचूँ कि सूरत मुल्क है, सूरत वाकिया है, सूरत रहमान है, सूरत यासीन है, उसमें तफसील बात जो है उसकी वो ज़रूरत नहीं है, आए कि तर्जमा आता है चलो तो इसको एक तरफ रख लें, नमाज आता है तो तर्जमा आता है, सूरत वो जो है दुआए कुनूत उसका तर्जमा आता है, चलो जी उसको भी एक तरफ रखते हैं, अब सोच लेते हैं कि सैयद साहब किन चीज़ों से होता है, पता भी है ये नहीं पता, मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीज़ें हमने सीखी और उसको अहमियत भी दी। तो जैसे ये छोटे सीख रहे हैं, छोटों के लिए सारे काम ने बड़ी उम्र से सीखा है, तो ये हम खुद ही अपने आप में जाने, अच्छा ठीक है हम घर के तो सारे मशवरे करते हैं कि वहाँ जगह कुरान लेना है, यहाँ कमेटी डाल लें, अब वाशिंग मशीन लेनी है, अब ये करना है वो करना है, सारे बाहर के ईरान कुरान की बातें चलती रहती हैं, आया कि घर में बीवी के साथ कभी ये मशवरा भी हुआ है कि नमाज का तर्जमा भी आता ही नहीं है, बीवी से कभी कोई मशवरा हुआ है कि बच्चे की वो क्या है, अब क्या होता है कि नमाज जनाजा के ऊपर क्या होता है, वाले बेचारा कितना कुछ खप जाता है। मैं एक और बात करता हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, ये छोटे बच्चे, इनके लिए बाप पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, ये छोटे बच्चे होते हैं ये अमीर होते हैं, छोटे बच्चे अमीर होते हैं, जो अमीर के बच्चे होते हैं वो भी अमीर होते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं वो भी अमीर होते हैं, बाप माँ बाप कभी बच्चे को फील नहीं होने देते, महसूस नहीं होने देते कि हम गरीब हैं, उनकी ईद पर भी महसूस नहीं होने देते कि हम गरीब हैं, क्योंकि कई कई ईदें बाप की गुजर जाती हैं कि जूता नहीं नया खरीदा लेकिन बच्चे का होता है, कई कई ईदें गुजरती हैं कि कपड़े नए नहीं होते लेकिन बच्चों के होते हैं, जब दुनिया के लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं कहीं ऐसा ना हो बेटा पीछे खड़ा हो, बाप का जनाजा हो और बच्चे को जनाजे की दुआ ही ना आती, ये तमाम करेंगे मेरे इशारे सारे समझ गए, ठीक हो गया, बच्चों की तो एजाज से नवाज दें, अल्लाह तबारक व तआला इनको यहाँ भी नवाज दें, इनको वालदैन के लिए मुबारक, मैं अपनी तरफ से सिद्दीक़े इस्लामिक अकेडमी की तरफ से
اور یہاں کی انتظامیہ اور معاملین کی طرف سے ان کو اور ان کے والدین کو خوشندید اور مبارکباد کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں سے بھی نوازے اور دنیا میں بھی نوازے ہیں آخرت میں بھی نوازے ہیں. میں گزارش کروں گا مولانا مفتی صاحب سے, استاد مکرم ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے میرے لیے, میں بڑا گھبرا رہا تھا کہ استادی کے سامنے پتے سکھاؤ, بہت اچھا نظام دیا کتاب سے بچ گیا کافی انبادی تشریف ہے. حافظ شیراز بن محمد سلیمان, ماشاء اللہ کہہ دیجیے اس وقت بچے کے جو سرپرست ہیں حافظ محمد اقسم فاروق بن فاروق محمد عارف محمود بن عارف محمود, وہ بھی تشریف ہیں حافظ اورنگزیب بن گلزار قاری امیر حسین صاحب تشریف ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, یقیناً ایسے ہی ہے. جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے لیے اس وقت بچے, آپ بھی بچوں سن لو کہ ہمارے بھی والدین ہیں, والد جو ہے نا اس وقت جس کے ہیں سب سے بڑے ولی اللہ ہوا ہے. ایک ساتھ میں وقت کا کتب ہو اور دوسرے میں فاسق فاجر والد کیوں نہ ہو, فاسق فاجر والد کی دعا کتب سے زیادہ اولاد اور مسئلہ جاتی ہے, اولاد باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے. یقیناً یہ ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی روحانی باپ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اعزاز سے نوازا جائے, اللہ پاک بھی نوازیں گے. تو کچھ اعزازی اسناد ہیں. جی جی, تو میں سب سے پہلے تو مفتی صحیح صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ استاد جی سے جو ہے نا اپنی اعزازی شیل لیں جو مینج کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخر سے بھی شیل سے نوازے. محمد نصیر صاحب, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور یقیناً کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے, کاپی دے کے چاکلیٹ دے کے بچے کو پہلے محنت کرتے ہیں, پھر لے کے آتے ہیں, پھر جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو اس میں ہے کاشوں میں مزید ترقی نصیب ہے. محترم ریاض ملک صاحب, اللہ تعالیٰ میری بزنس والا ان کی جو جس طرح کا نام ہے اس میں بھی برکتیں نصیب کروائیں. جی محترم جناب صبغت اللہ صاحب, صدر صاحب جو ہیں اس مسجد کے اور انتظامیہ کے, اللہ تعالیٰ ان کو شاہد فاروق صاحب تشریف لائیں. جی حافظ عمران صاحب تشریف لائیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.
करूंगा सादे मोहतरम। अब आप चलो मैं अपने मुफ्ती मुस्तफा अजीज साहब से शेर सुन करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दुआ के लिए मैं अदर से उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ करवाएं, तो इंशाल्लाह दुआ के साथ ही अजान होगी और अजान के साथ ही इंशाल्लाह नमाज।